हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका अपना दोस्त और मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ अपनी ये जर्नी, जो कि मेरे लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी होने वाली है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपना जो बैचलर है वो तो इंडिया में कर रखा है, लेकिन मैं मास्टर्स के लिए यूएस, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, वहाँ जाने वाला हूँ। और ये जर्नी मैं अपने गांव, जो कि एक छोटा सा गांव है शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसका नाम शीलघाट है, वहां से शुरू करूंगा। और क्योंकि मुझे यूएस जाना है तो डेफिनेटली मुझे फ़्लाइट से ही जाना होगा। और इसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ शीलघाट से दिल्ली जाना होगा, जो कि मैं अपने भैया के साथ में गाड़ी के साथ उनके साथ जाऊँगा मैं, और वहाँ से मैं फर्दर फ्लाइट्स को पकड़ूँगा। क्योंकि मेरा ये बहुत टाइम के लिए लास्ट डे होने वाला है इंडिया में, तो काफ़ी मिक्स फीलिंग्स भी आ रही हैं। मतलब कन्फ्यूज़न और एक्साइटमेंट सब कुछ एक साथ है, कि एक तरह तो मैं अपने घर वालों को छोड़कर भी जा रहा हूँ, ऊपर से लॉन्ग टर्म में देखता हूँ तो डेफिनेटली अगर मुझे यूएस में मास्टर्स के लिए जाना है तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बाकी चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करूँगा इस वीडियो में ही, तो देखते हैं आगे कैसा दिल्ली, दुबई और यूएस तक का मेरा जर्नी रहता है, कितनी चैलेंजेस आती हैं या फिर कितना स्मूथ होता है। वैसे तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो इन सब चीज़ों को ही मैं रिकॉर्ड करूँगा इस वीडियो में। ओए इधर देखो, हेलो बोलो। हेलो, हेलो चलो। बाय बाय। नमकीन वाला मीठा, मतलब गरम कर रहे हैं। पार्किंग ऊपर आए तुम्हारे को हाथ देखे अंदर जाए मिलवे नहीं करे
ये मेरा सामान। बस जाने का टाइम आ गया। गेट नंबर 5 से जाएंगे, पीछे रहा। हाँ भैया जा रहे हैं अब। दो साल के लिए अभी अभी अंदर आए हैं भैया, बारी मेरा वेट कर रहे थे। हम लोग इमिग्रेशन और सिक्योरिटी के काफ़ी लंबी लाइन के बाद तो फाइनली अंदर है, और मेरे साथ मेरा जो है हैंड बैगेज ही बचा है और बाकी सब तो मैंने दे दिया है, जो कि हमें डायरेक्टली अब सैन फ्रांसिस्को में मिलेगा। तो जो मेरा पहला लैंडिंग होने वाला है वो है दुबई में, और वहाँ पर मेरा 9 आवर्स का लेओवर होने वाला है, और उसके बाद हमें फिर से फ़्लाइट पकड़नी है सैन फ्रांसिस्को के लिए। और अभी तो अपन लोग अंदर आ गए हैं और बोर्डिंग पास है मेरे पास, वहाँ पर मुझे बस गेट नंबर देखना है, और गेट नंबर देख के भाई पहुँचते उस गेट पे, क्योंकि भाई अपनी फ़्लाइट है वो है, अपनी फ़्लाइट है 9:50 की, और अभी भी मेरे पास 1 घंटा 40 मिनट का टाइम बचा हुआ है। तो चलते हैं आपको दिखा, एक अलग ही फील है भाई साहब यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर लग्जरी आइटम्स को, इंटीरियर्स को देखिए, आप डिज़ाइन को देखिए, ऊपर गजब है भाई साहब, मतलब एक नंबर। डोमेस्टिक एयरपोर्ट में तो मैं कई बार गया भाई, लेकिन ये फर्स्ट अपना इंटरनेशनल वाला डिपार्चर होने वाला है, तो एकदम अमेजिंग है, मैं तो शॉक्ड हूँ। एक नंबर है भाई यहाँ चीज़ें। तो फिलहाल टाइम है तो भाई देख लेते हैं, और क्या, क्यों आप देख रहे हैं अभी दिल्ली का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मैं बैठने वाला हूँ फर्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। इतना खूबसूरत, इतना वेल ऑर्गेनाइज और इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को रखा हुआ है, मैं तो भाई एकदम शॉक्ड हूँ। तो फिलहाल घूमना फिरना तो चलता रहेगा। हाँ, तो मैं स्टोरी बता रहा था कि वैसे तो मैं कई बार डोमेस्टिक वाले फ़्लाइट में बैठा हूँ, लेकिन एक क्योंकि मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल वाला अपना ट्रिप होने वाला है, और ट्रिप तो नहीं कहेंगे क्योंकि अपन तो जा रहे हैं भाई बाहर पढ़ने, मास्टर्स करने यूएसए में। मैंने पहले भी बोल रखा है कि एक डर के साथ एक्साइटमेंट भी है अंदर, पता नहीं मुझे ये सही है कि गलत, बट ठीक है भाई, अब अंदर आ गए तो फ्लाइट में बैठ के ही जाएंगे, वापस तो जाएंगे नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई तो कॉस्मेटिक की शॉप होगी है, ऐसा शॉप बोले कि इसको शोरूम बोले कि बोले तो बोले क्या। ओ बाबा जी यहाँ भी हैं पतंजलि, सो नाइस, दिस इज शॉकिंग फॉर मी, पतंजलि यहाँ पर भी है। फ्लाइट फ्लूड कर
कॉल पे देते? अभी सोचा नहीं मैंने कुछ, बट इस बार ऐसा ही करना पड़ेगा। ए स्टेट है ना भाई? स्ट्रीट स्ट्रीट ये लिफ्ट वगैरह क्या कुछ? लिफ्ट से जाना है भाई। अबे मास्क पहन लूँ मैं यार, कुछ छूटा तो नहीं था ना अपना उधर? खुला हुआ मिलेगा सब, कढ़ाई निकल रही है, तवा निकल रहा है। इधर ही बोल रहा है। Yes, okay.